नमस्कार, मैं नवीन यादव दंडीजन न्यूज से मैं मौजूद हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आज कांग्रेस और सपा का ऐलान हुआ है, जिसमें कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी, बाकी 63 सीटों पर सपा और उसके साथ तो क्षेत्रीय दल लड़ेंगे। और हम आगे की खबर आपको दिखाते हैं। हमारे जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। तो पटेल जी बात करते हैं इनसे। सर, ये जो गठबंधन हुआ है, जो क्षेत्रीय दल हैं, तो जो 63 सीटें मिली, इनमें सपा अपने गठबंधन क्षेत्रीय लड़ाई या कांग्रेस सीटों से लड़ेगी, ये तय करना काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हमने इंडिया गठबंधन में जो सीटें आज तय हुई हैं वो आपके सामने रख दी। सर, कल जाएंगे।